को के। क्या हो पसंद नहीं है? आप कोई तोहफे में चीज दें और पसंद ना आए, ऐसे कैसे हो सकता है? बस तुम आज से मेरी कुकी हो। आई लव यू कुकी। शर्मिन, कुकी, पता है अनाना बिल्कुल असली नॉवलों वाले हीरो हैं। शर्मिन तुम्हें? शर्मिन नहीं, कुकी को नाम बदल दिया है उन्होंने मेरा। ये सारा किया करा आपकी बहन का है, खुद तो सारी जिंदगी बर्बाद रही और अब मेरी बच्चियों के हंसते बसते घर को तोड़ने चली है वो। तुम हमेशा सफीना के पीछे पड़ी रहा, बात उस तक पहुंचे या ना पहुंचे, उसको मालूम हो या ना मालूम हो, तुमने सारी जिम्मेदारी सफीना पे डाल दी। अस्सलाम वालेकुम। भाई क्या करते हैं आप लोग अम्मा अब्बा, दरवाजा खुला है, कोई भी चोर डाकू घर के अंदर आ जाए। वालेकुम अस्सलाम। आपकी कमी थी, आप आ गई, तशरीफ रखिए, माँ हाजिर है, गुफ्तगू का आगाज कीजिए। मेरा क्या काम? हाँ हाँ, इस घर की हर चीज उल्टी जा रही है। जी उल्टी जा रही है। मैं किस किस चीजों को संभालूंगी? सीधी कर दो। क्या हो रहा है, क्या हो गया भाई हैं? और मसले कम है, आप लोग नई बातें लेकर बैठ गए। ये कुकी का क्या सोचा है, क्यों उसे शह दे रहे हैं आप लोग? मुझे तो अपनी बेटी की शादी खटाई में पड़ती हुई दिख रही। हाँ तुम भी सारा मलबा मेरे ऊपर ही उतार दो। मैंने कहा था अपनी बेटी से कि अपना घर तोड़ के भी इधर मेरे घर आके पड़ जाओ, मेरे सर पे आके पड़ जाओ। तो आपने उसको वापस जाने का भी तो नहीं कहा? क्यों नहीं कहा उसे? अदनान आया था, अच्छे खानदान का, मिन्नत समाजत कर रहा था, क्यों नहीं जा रही आखिर ये? क्या क्या है इस लड़की के दिमाग में, क्या सोचे बैठी है ये? फरिया ने मुझे सब बता दिया है। मुझे कह रही थी मुझे ऐसा लग रहा है कुकी खाला अपने साथ साथ मुझे भी ले डूबेगी। बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे। तुम भी कहां की बात कहां पर ले आई हो, कहां जोड़ दी है भाई? अम्मा मेरी बात सुने, दीवारों के भी कान होते हैं, जो कुछ इस घर में हो रहा है ना, मुझे एक एक बात का इल्म है। अगर उसे अजीज इतना पसंद था तो करती ना वो अजीज से शादी, क्यों की उसने अदनान से? अब जब मेरी बेटी की शादी का मौका आया तो क्या ढोंग तमाशा लगा लिया है। बहुत ही अच्छे, अब फरिया ने भी तुम्हारे कान भरना शुरू कर दिए। लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो तुम, मैं अपनी बेटी को नहीं छोड़ूंगी क्योंकि उसका कोई कसूर नहीं है, मैं जानती हूं उसको। अम्मा जिस तरह से आपको अपनी बेटी अजीज है ना, मेरी बेटी भी मेरे दिल के बहुत करीब है। अगर उसकी शादी में कोई रुकावट या कोई खलल आया, जिसकी वजह से भी आया, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी अम्मा।